जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, वाणी का संयम करने का एक ही उपाय है, भगवान नाम जप एवं स्वाध्याय को वाणी का विषय बना लो। जीभ के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए, दूसरे किसी भी काम के लिए उसमें से समय निकालना ना पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है, वह जहाँ रहता है वहीं उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी चीज अपने आप अनायास ही मिलती है। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, साधक की यह दशा होती है कि वह भगवान को तो चाहता है परंतु संसार को भी छोड़ना नहीं चाहता। वह अपने घर परिवार राजपाट पत्नी पति पुत्र को साथ लेकर भगवान से जुड़ना चाहता है, सूर्य के दर्शन करने की चाह भी रखे और अंधकार को भी नहीं छोड़ना चाहे। यह तो बहुत ही विकट दुविधा की स्थिति होती है। ऐसे साधक का संसार भगवान जोर जबरदस्ती करके नष्ट कर देते हैं। अपने संसार का समूल नाश होता देख साधक बिलखता है, रोता है। उस समय अंतर्यामी भगवान उसे शिक्षा देते हैं, अरे मूर्ख, तुम इस पर्दे के मोह में क्यों पड़े हो? यह पर्दा ही जीव और मेरे मध्य का बहुत बड़ा व्यवधान है। वह हट गया, बहुत बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तुम्हारी चिर संचित आकांक्षाएं मैं पूरी करूँगा। परमात्मा का यह आह्वान आत्मा के आत्मा परम प्रियतम प्राणों के मर्म भगवान का यह मिलन आमंत्रण भगवत कृपा से जिस महाभाग्यवान के अंतरदेश में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर इस छोड़ने को भी भूलकर भगवान की ओर दौड़ आता है। फिर न उसे अपने घर द्वार राजपाट धन संपत्ति की चिंता होती है, न पत्नी पुत्र सगे संबंधी एवं भाई बहन की। वह न अपने को देखता है न जगत को। विशुद्ध एवं अनन्य भगवत प्रेम में ऐसा होता ही है। जय श्री राधे। पति पत्नी पुत्र धन संपदा आदि से संबंध तोड़ने का अर्थ है कि मन से इनकी तरफ ध्यान न दें, चित्त केवल परमात्मा में ही लगा रहे। जय श्री राधे।